हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैंने 0 साइज की ठाकुर जी की ड्रेस बनाई है और ये ड्रेस मैंने मेरी प्यारी फ्रेंड पूजा गौतम जी की रिक्वेस्ट पर बनाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन भी दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम 0 साइज की चोली बना लेंगे। अगर आपको चोली बनाना सीखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। और अगर आपको 0 साइज की चोली बनाना सीखना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और हम इसको 11 नंबर के क्रोशे से बनाएंगे। बनाने के बाद हम येलो कलर का धागा लेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, धागे को यहाँ पर जोड़ लेंगे। इस तरीके से और एक बार फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। और जहाँ पर हमने चैन बनाया है वहीं पर हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 बार डबल क्रोशिया हो गया है, हमने चैन को भी काउंट कर लिया है। नेक्स्ट में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। नेक्स्ट में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। नेक्स्ट में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। नेक्स्ट में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। नेक्स्ट में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। नेक्स्ट में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। नेक्स्ट में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। इस तरह से हम पूरी लाइन में 2 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हम पूरी लाइन में इस तरह से 2 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर इसको लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर से हम नेक्स्ट लाइन करने के लिए 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। अब हम सेकेंड लाइन बनाएंगे। सेकेंड लाइन बहुत सिंपल है, हम इसमें एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे पूरे राउंड में। यहाँ पर भी एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर भी एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे।
सेकंड लाइन कंप्लीट होने के बाद हम इसको यहाँ पर लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे। अब हम थर्ड लाइन बनाएंगे और यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में 2 बार और नेक्स्ट में 1 बार, नेक्स्ट में 2 बार, 1 2 और नेक्स्ट में 1 बार। थर्ड लाइन में हम इसी तरह 1 बार 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड लाइन में बस हमें ध्यान रखना है कि इसी तरह हमें कंप्लीट करनी है लाइन को, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से थर्ड लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसको यहाँ पर लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। और फोर्थ लाइन भी हमारी बहुत सिंपल है, हम फोर्थ लाइन में भी 1 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से यहाँ पर भी 1 बार, नेक्स्ट में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से 1 बार, फोर्थ लाइन भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन में हम इस तरह से 1 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो फोर्थ लाइन कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब हम ग्रीन कलर का धागा यूज़ करेंगे, इसको हम धागे को यहाँ पर ऐड कर लेंगे धागे को, इस तरह से हम यहाँ पर धागे को जोड़ लेंगे। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चैन बनाएंगे। यहाँ तक लाना है हमको, 11 चैन बनाएंगे हम और यहाँ से इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे, यहाँ से चोली की साइड से जहाँ पर हमारी चोली ख़त्म हुई है वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर काउंट करेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर
दो दो चार दो छः दो आठ, इस तरह से। फिर से यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और यहाँ पर चोली के एंड में यहाँ पर फिर से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर से यहीं से ही एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और यहाँ पर स्लिप स्टिच। यहाँ पर चैन थोड़ी ऊपर को हो रही है तो हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से चैन को घटा बढ़ा सकते हैं। आप उतनी चैन बनाएं जितनी आपको कंफर्टेबल लगती हो। दो चैन को हम इसको हटा देंगे अब सही है। फिर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। जहाँ पर आपको लगता हो कि या तो इतना जहाँ पर आपको चैन कंफर्टेबल लगती हो आप उतनी चैन बनाएं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फिर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और यहाँ पर स्लिप स्टिच एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और यहाँ पर स्लिप स्टिच। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सॉरी आठ चैन बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो इस तरह से हम पूरे राउंड में यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अगर लास्ट में ऐसा हो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गई हो जैसे कि दो एक्स्ट्रा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम इसको यहाँ पर एक चैन एक या दो चैन बढ़ाकर यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे और यहीं से ही हम फिर से एक
2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन लेकर के यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर से 10 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और ये हम यहाँ पर फिर से इस तरह से चैन के अंदर क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 चैन बनाकर और यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये इस तरह से छोटा सा लूप बन जाएगा। और फिर हम इसी चैन में फिर से 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और फिर से नेक्स्ट में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट में फिर से हम इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर 1 2 3 4 5 और 6 चैन बनाएंगे और यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से इसी चैन में डबल क्रोशिया करेंगे 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7
और सात, आठ, नौ और दस, दस दस बार डबल क्रोशे कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से पत्तियाँ बन गई है। इस तरह से हम पूरे राउंड में पत्तियाँ बनाएंगे। फिर से हम चैन में डबल क्रोशे करेंगे 10 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड में पत्तियाँ बना लेंगे। हाय गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल बेबी पायल रानी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।